हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे हमारे नए कैग के बारे में, कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिया और मॉरिशियस की रिलेशंस के बीच में, मॉरिशियस की लोकेशन देखेंगे कहां पर है मॉरिशियस। उसके बाद देखेंगे जो नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है दिल्ली गवर्नमेंट ने। फिर पढ़ेंगे फेम इंडिया फेज टू क्या है। फिर हम देखेंगे नेशनल हैंडलूम डे कब होता है और क्यों मनाया जाता है इसे। फिर उसके बाद बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, इंडिया की क्या रैंक रही इसमें, उसके बारे में जानेंगे। और आखिर में हम पढ़ेंगे किसान रेल के बारे में, कहां से कहां तक चलाई गई है उसके बारे में जानेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कैग से। तो हमारे नए क्या कौन बने हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीसी मुर्मू हमारे नए कैग होगी। पहले क्या थे, एलजी थे, जीएनके के फुल नेम क्या है, गिरीश चंद्रा मुर्मू। अभी क्या बन गए, कैग कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बट मैंने आपको बताया था कि हमारे यहां पर कैग कंपेट्रोलर का काम नहीं करता है, वो सिर्फ ऑडिट ही करता है, वो सिर्फ ऑडिट करता है, याद रखना है। हमारे इंडिया में जो कैग है वो कंपेट्रोलर का काम नहीं करता है, वो सिर्फ ऑडिटर का काम करता है, वो सिर्फ हिसाब देता है जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है पब्लिक फंड्स को, उनका हिसाब देता है आफ्टर फाइनेंशियल ईयर। तो इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। ही इज द फर्स्ट ट्राइबल टू टेक ओथ एज अ कैग, ये याद रखना है आपने। पहले ट्राइबल है जो कैग की ओथ ले रहे हैं, और किसने एडमिनिस्टर किया, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। मैंने आपको बताया था कि कैग को कौन अपॉइंट करता है और कौन इसे निकाल सकता है, वो है प्रेसिडेंट। तो अगर आपने कैग वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक तो पहले चैनल पर जाके कैग के बारे में पढ़ लीजिएगा अगर आपको इसके बारे में नहीं पता। अब जीसी मुर्मू के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जीसी मुर्मू 1985 के बैच के आईएएस ऑफिसर है और रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम जेएनके एलजी की पोस्ट थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, अभी रिजाइन किया। अब कौन बने हैं, अब बने हैं मनोज सिन्हा, जेएनके के एलजी बने हैं मनोज सिन्हा, याद रखना है नए एलजी है जेएनके के मनोज सिन्हा। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात कर लेते हैं। पुरानी वीडियो में हमने ये नहीं पढ़ा था कैग के बारे में कि कौन से आर्टिकल्स कैग से डील करते हैं। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 148 डील्स विद कैग अपॉइंटमेंट ओथ एंड सर्विस कंडीशन। तो कैग को अपॉइंट कौन करेगा, उसकी जो ओथ होगी वो कौन दिलाएगा, सर्विस कंडीशंस कैसी होगी, वो कहां लिखा है, आर्टिकल 148 में वो सब कुछ दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 149 डील्स विद ड्यूटी एंड पावर्स ऑफ कैग। तो पावर कैग की कहां लिखी हुई है, वो है आर्टिकल 149 में। आर्टिकल 50 द काउंट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट शैल बी कैप्ट इन सच फॉर्म एज प्रेसिडेंट एडवाइस द कैग। तो ये आर्टिकल 150 में है कि जो अकाउंट होगे सेंटर और स्टेट के, दे शैल बी कैप्ट इन सच अ फॉर्म जैसा कैग को प्रेसिडेंट एडवाइस करेगा। तो प्रेसिडेंट की एडवाइस पर चलना पड़ेगा उसे कैग को। और आर्टिकल 150 में क्या है, द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय कैग आर टू बी सबमिटेड टू प्रेसिडेंट। तो जो रिपोर्ट कैग बनाएगा वो देगा किसे, प्रेसिडेंट को, ये लिखा है आर्टिकल 151 में। और प्रेसिडेंट उसे हाउस में प्रेजेंट करेगा, उसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगा, और पार्लियामेंट के बाद वो जाएगी कमेटी के पास। कौन सी कमेटी के पास, पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाएगी वो। तो याद रखना ये रिपोर्ट कहां कहां जाएगी, सबसे पहले कैग रिपोर्ट बनाएगा, उसके बाद वो भेजेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसे प्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेचर में, और उसके बाद वो रिपोर्ट जाएगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। अब जो एक कमेटी होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो उसके हेड होते हैं वो होते हैं ओपोजिशन के लीडर, लीडर ऑफ ओपोजिशन। तो देख लीजिए जी कैग की कितनी इंपॉर्टेंस है, अगर
सरकार कोई घोटाला कर रही है तो क्या क्या करेगा, उसकी रिपोर्ट बना देगा, और वो रिपोर्ट किसे आखिर में जाएगी, हेड ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास जाएगी अंत में। तो ऑपोजिशन पार्टी के पास एक मुद्दा होगा सरकार को घेरने के लिए। तो इसलिए कैग की पोजीशन हमारे इंडिया में बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कैग को इंडिपेंडेंट रखा गया है। अब देखते हैं मॉरिशियस के बारे में थोड़ा सा, क्यों पढ़ रहे हैं पहले ये देख लेते हैं। मॉरिशियस डिक्लेयर्स इमरजेंसी ओवर ऑयल स्पिल। तो मॉरिशियस में हुआ है ऑयल स्पिल और इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। अब ये हुआ कैसे है, सबसे पहले तो जापानी शिप थी एक, वो वहां पर फंसी हुई थी मॉरिशियस के कोस्ट पर, तो उसमें से ऑयल लीक हुआ है, उसके कारण ऑयल स्पिल हुआ है वहां पर। तो कैसे हुआ, क्रैक अपीयर हुआ शिप के हल में, दैट कॉज्ड ऑयल स्पिल, और इट पुट अराउंड 1 to 3 million रेजिडेंट इन द आइलैंड नेशन टू डेंजर। तो जो 10 to 30 lakh लोग है मॉरिशियस आइलैंड के, वो अभी डेंजर में है क्योंकि ऑयल स्पिल हो गया है वहां पर। और इंपॉर्टेंट बात, मॉरिशियस गवर्नमेंट हैज अपील टू फ्रेंच गवर्नमेंट, मॉरिशियस गवर्नमेंट हैज अपील टू फ्रेंच गवर्नमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कहां पर फ्रांस, फ्रांस है यूरोप में ऊपर जाके, बहुत ही ऊपर जाके, और अगर इसकी मॉरिशियस की बात करें तो ये है इंडियन ओशियन में नीचे। तो इन्होंने फ्रांस को क्यों अप्रोच किया है हेल्प के लिए, क्यों नहीं कोई दूसरी कंट्री को इन्होंने अप्रोच किया जो इनके पास है, तो इसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। थोड़ी देर में क्या, नीचे लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिए। तो मॉरिशियस के पास एक और आइलैंड है, उसका नाम है रियूनियन। उसका नाम क्या है, रियूनियन। वो आइलैंड बिलोंग करता है फ्रेंच गवर्नमेंट को, वो फ्रांस की टेरिटरी है, रियूनियन आइलैंड इज टेरिटरी ऑफ फ्रांस। तो ये सबसे नजदीक है मॉरिशियस के, तो इसलिए इन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट को अप्रोच किया है हेल्प के लिए। तो याद रखिएगा, फ्रांस का एक टुकड़ा इंडियन ओशियन में भी है, रियूनियन आइलैंड है और मॉरिशियस के पास है। और ये देखिए, यहाँ पर फ्रांस ने अपनी मिलिट्री भी, यहाँ पर मिलिट्री बेस भी बना रखा है। रियूनियन आइलैंड इज मेजर मिलिट्री बेस ऑफ फ्रांस इन इंडियन ओशियन। अब इंडिया से रिलेट कैसे करेंगे इसको, तो इंडिया कंडक्टेड अ जॉइंट पेट्रोल विद फ्रेंच नेवी, ये नाम याद रखना है आपने, कोरपेट, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम किया है इसलिए एग्जाम में आ सकता है, और इसी साल किया है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। कहां पर किया है, रियूनियन आइलैंड, रियूनियन आइलैंड इज इन इंडियन ओशन और मॉरिशियस के पास है, इसलिए याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच में कौन सा ज्वाइंट पेट्रोल हुआ, उसका नाम बताइए, तो कोरपेट नेम है, याद रखना है आपने। अब देख लेते हैं इंडिया और मॉरिशियस के थोड़े रिलेशन कैसे है। मॉरिशियस इज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी ग्रिड ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कोस्टल सर्विलेंस रडार, तो याद रखना है आपने। मॉरिशियस पार्ट है सिक्योरिटी ग्रिड का जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, और आल्सो कोस्टल सर्विलेंस रडार। ये देखिए दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी मैंने आपको बताया सिक्योरिटी ग्रिड और कोस्टल सर्विलेंस रडार, इसके बारे में कभी आपको आगे वीडियो में जरूर बताएंगे, अभी आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि मॉरिशियस भी पार्ट है सिक्योरिटी ग्रिड का और कोस्टल सर्विलेंस रडार का। अब ये पॉइंट पढ़िए नीचे वाला, द हेड ऑफ मॉरिशियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मॉरिशियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड मॉरिशियस नेवी आर इंडियन ऑफिसर। तो इंडिया अपने ऑफिसर भेजता है वहां पर मॉरिशियस में, वो ऐड करते हैं मॉरिशिया की नेवी को, और दे आर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और इंडिया है सेवरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है मॉरिशियस के साथ कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कोई ज्यादा टैक्स नहीं लगेंगे। इट इंक्लूड एनहांस्ड ईईजेड। नाउ व्हाट इज ईईजेड, इट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईईजेड इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या होता है, तो 1982 में ये सबसे पहले आया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इकोनॉमिक
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज द सी जोन प्रिस्क्राइब्ड बाय 1982 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। अब इसमें होता क्या है कि एक सोवरेन स्टेट है स्पेशल राइट रिगार्डिंग द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज। तो हम वहां पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं मरीन रिसोर्सेज मॉरिशियन सी वाटर्स में। तो ये याद रखना आपने ईईजेड क्या होता है। तो इट इंक्लूड्स एनहांस्ड ईईजेड सर्विलेंस एंड एंटी पायरेसी ऑपरेशंस टू प्रिवेंट इंट्रूजन बाय पोटेंशियल इकोनॉमिक ऑफेंडर्स इंक्लूडिंग ये देखिए इलीगल पोचिंग फिशिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ड्रग्स। तो ये याद रखना आप लोग। और मॉरिशियस इज वन ऑफ द टॉप सोर्स ऑफ एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉर इंडिया। तो 15 से 16 बिलियन USD देख लीजिए कितना ज्यादा पैसा मॉरिशियस इन्वेस्ट करता है इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और द बायलेटरल रिलेशन विद द आइलैंड नेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन इंडियन ओशियन। अब देख लीजिए लोकेशन आपको अगले स्लाइड में बताएंगे कि लोकेशन कहाँ है मॉरिशियस की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें इंडियन ओशियन में अगर हमें अपना अपने को सेफ करना है या अपना दबदबा बनाना है तो मॉरिशियस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब बात करते हैं इस आइलैंड की अगाला आइलैंड ऑफ मॉरिशियस कहां पर है आइलैंड। सबसे पहले तो सीधा क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि ये आइलैंड कहां पर है अगाला अगेलगा आई थिंक इट्स अगेलगा आइलैंड इन मॉरिशियस। क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये पढ़ना बिकॉज इट हैज बीन लीज्ड टू इंडियन मिलिट्री। तो हमारी मिलिट्री को लीज पर दिया गया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एसेट। अभी मैंने आपको बताया था क्यों मॉरिशियस इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो ये आइलैंड उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इसकी लोकेशन कहाँ है नॉर्थ ऑफ मॉरिशियस आइलैंड। तो ये देखिए पहले यहाँ नीचे देखिए ये है मॉरिशियस कितना छोटा सा देश है आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके सबसे पास क्या है रियूनियन ये याद रखना है आपने। रियूनियन इसकी टेरिटरी है फ्रांस की टेरिटरी है और मॉरिशियस उसके पास है। अब हमें क्या पढ़ना है अगालगा आइलैंड। अगालगा आइलैंड कहाँ है नॉर्थ ऑफ मॉरिशियस आइलैंड। तो ये कुछ यहाँ जाके थोड़ा दूर पर है इधर कहीं आप गूगल में चेक कर लीजिए ये इतनी दूर आकर है यहाँ पर अगालगा आइलैंड है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अगालगा आइलैंड मॉरिशियस आइलैंड के नॉर्थ में है या साउथ में। तो याद रखना है ये नॉर्थ में है और इट हैज बीन लीज टू इंडियन मिलिट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एसेट याद रखना है ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में। तो कल के दिन चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने लॉन्च की दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। अब क्या बताया उन्होंने पॉलिसी में क्या काम करेगी ये पॉलिसी। तो सबसे पहले तो द पॉलिसी एम्स टू बूस्ट इकोनॉमी। जैसे आपको पता होगा अभी हमारी इकोनॉमी की कंडीशन कुछ सही नहीं चल रही तो ये पॉलिसी लेकर आए हम इसे बूस्ट करने के लिए क्रिएट जॉब्स एंड रिड्यूस पोल्यूशन लेवल। सबसे इंपॉर्टेंट बात टू रिड्यूस पोल्यूशन लेवल। दिल्ली में पोल्यूशन कितना होता है आप सभी लोगों को पता ही होगा तो उसे कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का सहारा लिया जा रहा है यहाँ पर। इट एम्स टू कंस्टिट्यूट 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2024। तो 2024 तक दिल्ली की सड़कों पर जो व्हीकल होंगे उनमें से 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए इस पॉलिसी का एम यही है। बट अभी कंडीशन देखिए 2020 में कितने हैं 0.29%। तो बड़ा टफ काम है थोड़ा सा सिर्फ 0.29% ही इलेक्ट्रिक व्हीकल है अभी दिल्ली में। बट एम क्या है इस पॉलिसी का कि 2024 तक 4 सालों तक 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल हमें वहां करने हैं। अब पॉलिसी करेगी क्या अंडर दिस पॉलिसी द स्टेट गवर्नमेंट विल गिव इंसेंटिव्स देगी लोगों को अप टू ₹30,000 फॉर टू व्हीलर्स ऑटोज प्राइवेट व्हीकल्स। ये वो व्हीकल होता है जो
सामान ढोने के लिए यूज किए जाते हैं व्हीकल्स एंड ई रिक्शास। तो अगर आप इन व्हीकल्स को खरीदते हैं तो इतना इंसेंटिव आपको दिल्ली गवर्नमेंट देगी एंड आल्सो इट विल प्रोवाइड इंसेंटिव अप टू 1.5 लाख फॉर कार्स। अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल कार खरीदते हैं अपने लिए, उस पर भी दिल्ली गवर्नमेंट 1.5 लाख तक का इंसेंटिव आपको देगी। आल्सो इट विल गिव लो इंटरेस्ट लोन ऑन इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स। द पॉलिसी एम्स टू इंक्रीज न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द रीजन टू 5 लाख न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो अगले 5 सालों में 5 लाख नए इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐड करना दिल्ली की सड़कों पर, ये एम रहेगा इस नई पॉलिसी का। तो याद रखना है आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में। की फीचर जो इस पॉलिसी की है, सबसे पहले तो सेटअप स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड अलोंग विद 200 चार्जिंग स्टेशन इन 1 ईयर। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने हैं देश में, कहीं भी चलाने हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोगों को बार बार अपने घर जाना पड़े अपनी व्हीकल चार्ज करने के लिए, तो ये पॉलिसी सेट नहीं हो पाएगी अच्छे से। बट आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो यही कहा गया है पॉलिसी में कि 200 चार्जिंग स्टेशन हम बनाएंगे 1 साल के अंदर, और स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड व्हीकल बोर्ड भी बनाएंगे। दिस इज टू मेक श्योर देयर आर चार्जिंग स्टेशन विद इन अ रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर। और ये भी कहा गया कि 3 किलोमीटर रेडियस के बीच में एक चार्जिंग स्टेशन जरूर होना चाहिए दिल्ली में। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इंसेंटिव टू दोज विलिंग टू एक्सचेंज देयर पेट्रोल एंड डीजल रन व्हीकल। और गवर्नमेंट उन लोगों को भी इंसेंटिव देगी जिनके पास ऑलरेडी व्हीकल है और जो पेट्रोल और डीजल पर चलते हैं। तो अगर वो अपना व्हीकल को चेंज करके इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे तो गवर्नमेंट उन्हें भी इंसेंटिव देगी। और एक ये ऐसा पहला इनिशिएटिव है पूरे देश में कहीं पर भी लिया जाने वाला है। ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। तो ऐसा कहीं और नहीं हो रहा है हमारे देश में कि अगर आप अपना पेट्रोल व्हीकल को एक्सचेंज करके इलेक्ट्रिक व्हीकल ले तो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगी। ऐसा कहीं नहीं हो रहा है, सिर्फ अब दिल्ली में होगा, दिल्ली में स्टार्ट किया गया। द पॉलिसी इज टू रन फॉर 3 ईयर। सबसे पहले 3 साल के लिए पॉलिसी लाई गई है, उसके बाद गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट रिव्यू करेगी पॉलिसी को, और अगर कुछ जरूरत पड़ी तो अमेंड करेगी इस पॉलिसी को फर्दर बेटर बनाने के लिए इस पॉलिसी को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द पॉलिसी विल बी एडिशन टू द सेंटर स्कीम फेम इंडिया फेज 2। तो फेम इंडिया फेज 2 क्या है, सेंटर की एक स्कीम है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। याद रखना है आपने फेम इंडिया के बारे में, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में डिटेल में। फेम इंडिया फेज 2 पूछा जा सकता है सीधा आपसे कि दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी किससे रिलेट करती है, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम से रिलेट करती है। तो वो है फेम इंडिया फेज 2 स्कीम है। अब देखते हैं फेम इंडिया फेज 2 क्या है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया फेज 2। तो ये है फेम इंडिया। याद रखना है फेम इंडिया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फेम इंडिया इज रिलेटेड टू, तो इट इज स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन द कंट्री। इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ये स्कीम है, याद रखना है फेम इंडिया फेज 2। तो कितना पैसा, देखिए सबसे पहले तो 10,000 करोड़ सेंक्शन किया गया है 3 सालों के लिए ये स्कीम चलेगी फेम इंडिया 2019 से 2022 तक। और कब से शुरू हुई है फेम इंडिया स्कीम, लास्ट ईयर से शुरू हो गई है, मतलब अभी 1 साल पूरा हो चुका है इसे, 1 अप्रैल 2019 से शुरू कर दी गई है। और ये फेज 2 है, अभी फेज 2 चल रहा है, इससे पहले भी एक फेज था फेम इंडिया फेज 1, वो कब लॉन्च किया गया था, वो 2015 में लॉन्च किया गया था। और बजट देखिए उसका, बजट कितना कम था, 895 करोड़ था, बट इस वाले में 10,000 करोड़ है। तो याद रखना है आपको अभी वाले का बजट भी थोड़ा बड़ा है। और फेम इंडिया 2 इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेनली टू एनकरेज फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल बाय वे ऑफ ऑफरिंग अप इंसेंटिव्स ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है अभी इंसेंटिव दे रही है, जैसे आपको मैंने बताया था कि 30,000 रुपए देगी
दिल्ली गवर्नमेंट, और अगर आप कार खरीदते हैं तो 1.5 लाख तक का इंसेंटिव आपको दिल्ली गवर्नमेंट देगी। तो यही बात की गई है इसके कि एनकरेज करेंगे लोगों को फास्टर अडोप्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय वे बाय ऑफरिंग देम इंसेंटिव। एस्टैब्लिश एन नेसेसरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सेम चीज दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है, 200 चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात कही गई है दिल्ली पॉलिसी में, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में। तो फेम फेस टू में भी यही कहा गया है। और द स्कीम विल हेल्प इन एड्रेसिंग द इशू ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड फ्यूल सिक्योरिटी। तो आपको पता होगा कितना पोल्यूशन है दिल्ली में, तो ये स्कीम मेनली इसीलिए लाई गई है। फेम इंडिया फेस टू स्कीम का भी यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि एड्रेसिंग द इशू ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड फ्यूल सिक्योरिटी। अब पढ़ते हैं नेशनल हैंडलूम डे के बारे में। तो ये कब था, ये था कल अगस्त 7 अगस्त को होता है हमारा नेशनल हैंडलूम डे। 7 अगस्त को क्या होता है, नेशनल हैंडलूम डे। अब 7 अगस्त ही क्यों, बिकॉज स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इस दिन 1905 में, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इस दिन 7 अगस्त को, इसलिए हम नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाते हैं। स्वदेशी मूवमेंट क्या था, इसमें हमने अपील की थी अपने लोगों से कि जो भारत में बन रही हैं चीजें उन्हें अपनाया जाए, उन्हें खरीदा जाए, ना कि जो फॉरेन से बन के आ रही है चीजें उन्हें। तो फॉरेन वाली चीजों को बॉयकॉट कर रहे थे, मेनली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीद रहे थे। इसमें अगर बात सिंपल वे में करी जाए तो मेड इन इंडिया का ओल्डर वर्जन इज स्वदेशी मूवमेंट, अपनी चीजों को बढ़ावा देने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। और क्यों स्टार्ट किया गया था, इंपॉर्टेंट ये देखिए, द मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन कलकत्ता टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आपको पता होगा पहले भारत में जो भी बांग्लादेश है वो भी इंक्लूडेड था, बट 1905 में अक्टूबर में 16 अक्टूबर को बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया। कब किया गया था, 16 अक्टूबर को। अब यहां लिखा है कि 7 अगस्त को हैंडलूम डे मनाते हैं हम, और प्रोटेस्ट इन्होंने कर दिया था बंगाल के पार्टीशन से, बट अभी मैंने आपको बताया कि 16 अक्टूबर को पार्टीशन हुआ था, तो पहले कैसे प्रोटेस्ट कर दिया। तो हुआ क्या था कि जब जो वॉइस रहे थे उस समय 1905 में, लॉर्ड कर्जन थे वॉइस रहे, उन्होंने जुलाई में ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम बंगाल का पार्टीशन कर देंगे, जो भी बांग्लादेश है वो इधर वेस्ट बंगाल है, इधर ईस्ट बंगाल, मतलब जो बांग्लादेश है उसको बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे। तो जुलाई में ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर ली थी, इसलिए अगस्त में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था कलकत्ता में। तो याद रखना आपने कि नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को होता है, और क्यों मनाते हैं, टू कमेमोरेट स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट 7 अगस्त को 1905 में लॉन्च किया गया था। अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो सबसे पहले तो इंडिया का रैंक 102 है, कितनी कंट्रीज थी टोटल, 117 कंट्रीज थी, और उसमें से इंडिया का रैंक 102 है। तो देख लीजिए इंडिया की कंडीशन थोड़ी खराब है हंगर इंडेक्स में। हम बेशक बहुत ज्यादा फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट लोगों तक अच्छे से पहुंच नहीं पा रहा। मेनली क्या है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास। हम फूड तो प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, बट न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पा रहे उन्हें, जिनकी उन्हें जरूरत है ज्यादातर, टू इम्प्रूव प्रोटीन एंड विटामिन डेफिशिएंसी। तो याद रखना आपने इंडिया का रैंक है 102 ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में। अब इसके बारे में रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, कौन प्रिपेयर करता है, तो यह दो एजेंसी है। सबसे पहले तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरिश एजेंसी है, और दूसरी है द वेल्ट हंगर हेल्प, एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये दोनों मिलके ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। अब रिपोर्ट में कई बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, अब ऐसा पूछा जाता है कई बार कि इंडिकेटर्स क्या थे, किन इंडिकेटर्स के बेसिस पर ये रिपोर्ट बनाई गई। तो 4 मेन इंडिकेटर्स से वो है ये, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। इनके बारे में, चारों के बारे में अगली स्लाइड में आपको बताता हूं, तो बट आपको ये नोट कर लेना है, ये 4 इंडिकेटर थे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड
मोर्टेलिटी, और इंडिया ने सबसे वर्स्ट परफॉर्म कहां किया है, चाइल्ड वेस्टिंग, और इंडिया का रैंक पहले 95 था 2010 में, अभी 2019 में रिपोर्ट आई थी हंगर रिपोर्ट, अब इसका रैंक 102 है, को स्लिप किया है इंडिया का रैंक और नीचे है ये। अब देखते हैं ये क्या होता है, जो चार इंडिकेटर्स थे वो क्या है। सबसे पहले तो अंडर नरिशमेंट हम किसे कहेंगे, अंडर नरिशमेंट द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज अंडर नरिश्ड, मतलब दैट इज हूज कैलोरीज इनटेक इज इनसफिशिएंट, मतलब कैलोरीज नहीं मिल रही उन्हें जितनी उनकी बॉडी को चाहिए। खाना तो हम दे रहे हैं बट उस खाने में उतनी कैलोरीज नहीं है, उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं है उस खाने में, ये याद रखना है आपने। हम उन्हें खाना तो दे रहे हैं बट उन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पा रहे, कैलोरीज नहीं दे पा रहे जितनी उनकी बॉडी को जरूरत है, तो इसे कहते हैं अंडर नरिश्ड, अंडर नरिश्ड। उसके बाद चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग होता है, ये देखिए चाइल्ड वेस्टिंग, वेस्टिंग और चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग लिखा है तो इसलिए एज 5 से अंडर, अंडर द एज ऑफ 5 जो चिल्ड्रन है अगर उनकी लो वेट है और देयर हाइट, मतलब उनकी हाइट तो बढ़ गई बट वेट उनका बहुत कम है, वो बहुत ही पतले से है, तो उसे कहेंगे हम चाइल्ड वेस्टिंग, उसे कहते हैं वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब यही है कि आपका हाइट तो बढ़ गई बट वेट नहीं बढ़ रहा, और चाइल्ड वेस्टिंग 5 साल के कम बच्चों को बोलेंगे हम चाइल्ड वेस्टिंग। उसी तरह चाइल्ड स्टंटिंग, सबसे पहले स्टंटिंग का मतलब होता है कि आपकी एज तो बढ़ रही है बट हाइट नहीं बढ़ रही, हाइट आपकी रुक गई है एक जगह पर, स्टंट हो गई हाइट, और चाइल्ड वेस्टिंग मतलब कि 5 साल के नीचे के बच्चों का अगर हाइट उनकी बढ़ रही है बट सॉरी अगर उनकी एज बढ़ रही है बट हाइट नहीं बढ़ रही, उसे कहेंगे हम चाइल्ड स्टंटिंग। और चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब 5 साल के बच्चों के नीचे, 5 साल एज के नीचे की बच्चों की डेथ हो रही है, उसे कहते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इन चार इंडिकेटर को लिया गया हंगर रिपोर्ट बनाने के लिए, याद रखना है आपने, याद रखना है आपको। इंडिया का रैंक क्या था, 102, और स्लिप हुआ इंडिया का रैंक पहले 2010 में क्या था, 95 था, अब हो गया 102। तो इंडिया की कंडीशन थोड़ी खराब चल रही है यहाँ पर हंगर रिपोर्ट में, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में, और कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन इसे प्रिपेयर करती है ये भी याद रखना है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और द वेल्ट हंगर हेल्प। अब पढ़ते हैं आखिरी टॉपिक है हमारा आज का, किसान रेल के बारे में। तो अभी कुछ दिनों पहले इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया कि वो एक किसान रेल चलाएंगे, कहां से कहां तक, वीकली चलेगी। सबसे पहली बात तो देवलाली महाराष्ट्र में है और दानापुर बिहार में, इन दो स्टेशन के बीच ये रेल चलेगी, किसान रेल। अब होगा क्या इसमें कि किसान अपने परिशेवल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट में शॉर्टर पीरियड में भेज पाएंगे। तो अगर किसी किसान को पहले बहुत ज्यादा टाइम लगता था उसे बनाने में, अब थोड़ा कम समय लगेगा, ट्रेन चला देगी, ट्रेन उन्हें जल्दी पहुंचा देगी। पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो जल्दी खराब हो जाता है, उन्हें आप जल्दी देर अपने पास नहीं रख सकते क्योंकि वो खराब हो जाता है। और ये ट्रेन कोल्ड सप्लाई चेन बेस होगी, मतलब फ्रीजर्स वगैरह इसमें लगे होंगे ट्रेन में, ये याद रखना है आपने। अनाउंस कब किया था, यूनियन बजट में किया था अनाउंस 2020 के, ये नहीं इंपॉर्टेंट है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है आपने, हमने बात की है किसानों की इनकम डबल करने की 2022 तक, और ये डबल करने की इनकम कौन सी कमेटी ने बात की थी, तो कौन सी कमेटी थी ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम, ये आपसे सीधा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के पूछने के। किसान रेल के बारे में शायद ना पूछे बट इस कमेटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना है अशोक डलवाई कमेटी थी, अशोक डलवाई कमेटी थी ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम, तो ये याद रखना है आपने किसान रेल और इस कमेटी के बारे में। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफी नॉलेज मिली होगी नए नए एरियाज के बारे में, जैसे कि मॉरिशियस के बारे में आपको पढ़ाया, रियूनियन आइलैंड के बारे में आपको पढ़ाया, किसान रेल के बारे में, जीसी मुर्मू के बारे में, और भी काफी टॉपिक्स थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो
इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।